लगभग 500 वर्षों का संघर्ष अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसने सोचा था कि 2023 के कलयुग में त्रेता युग की झलक दिखाई देगी। अवध और मिथिला के बीच बड़ा विकास होगा और दूरी कुल 12 घंटे की हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम भक्तों को राम की नगरी से मां सीता की धरती के दर्शन कराने के उद्देश्य से अमृत भारत ट्रेन की सौगात 30 दिसंबर को दी। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये दरभंगा से मां सीता की धरती सीतामढ़ी होते हुए राम की नगरी अयोध्या का दर्शन कराते हुए आनंद विहार तक चलेगी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दरभंगा के लिए रवाना किया। ये ट्रेन लगभग 12 घंटे का सफर तय करके दरभंगा पहुंचेगी। रामनगरी अयोध्या को जोड़ते हुए आनंद विहार से मां सीता की धरती सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक अत्याधुनिक तकनीक से बनी पुष्पुल नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन को 30 दिसंबर से चलाया जा रहा है। रूट की अगर बात करें तो दरभंगा से वाया सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर, अयोध्या के रास्ते आनंद विहार के लिए पुष्पुल वाली अमृत ट्रेन चल रही है। मिथिलांचल वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात दी है, जिसमें ट्रेन के हर तबके के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM विनय श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार के लिए सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और गुरुवार को चलेगी। इसी तरह ये ट्रेन आनंद विहार से दरभंगा के लिए मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। दरभंगा से अमृत भारत ट्रेन 3 बजे दोपहर को खुलेगी, जो कमतोल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगेनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर रोकते हुए करीब 2:30 बजे सुबह अयोध्या पहुंचेगी। सुबह 2:35 पर ये ट्रेन अयोध्या से खुलकर लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला और अलीगढ़ रुकते हुए करीब 12:35 पर आनंद विहार पहुंचेगी। इसी तरह आनंद विहार से अमृत भारत ट्रेन 3:10 दोपहर में खुलकर रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर रुकते हुए अयोध्या सुबह करीब 1:10 पर पहुंचेगी। फिर 1:15 से खुलकर 11:50 पर दरभंगा पहुंचेगी। इसी तरह मिथिलांचल की हर तबके के लिए ये ट्रेन फायदेमंद है, क्योंकि ये नॉन एसी ट्रेन है और इसकी टिकट के मूल्य की बात करें तो वो भी काफी कम, जिससे कि हर मिथिलांचल वासी अपने पाहुन के नगरी में आके उनके दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद